वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में आप लोग के संग शेयर करने वाली एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चंस तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं लिए हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एक तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है प्लस टाइम भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है यार बहुत बहुत ज़्यादा हैं तो हर हाँ एक क्वेश्चन को डिस्कस करना और उनके लिए वीडियो बनाना तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन हाँ इसके लिए मैंने एक चीज़ सोचा मैं आप लोग को मटेरियल प्रोवाइड करने वाली हूँ आज ही की वीडियो में तो लास्ट वीडियो देखिएगा आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा वो सारी चीजें मैं वहां पर डिस्कस करने वाली ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट हाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके एंड थैंक यू सो मच मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि मेरी किसी वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ और लाइक ज़्यादा नहीं आए हैं लाइक में तो आप लोग कंजूसी कर देते हो बट हाँ व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आए तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के संग शेयर किया और जिसकी वजह से मुझे इतने सारे व्यूज़ मिले हैं तो थैंक यू सो मच चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं यहाँ जितनी भी क्वेश्चन मैं रिटर्न में ली हुई हूँ बट मैं जो आपकी पी डी होंगी वो सब मेरा सॉफ्ट कॉपी में है सारी चीज़ें आपको पी डी फॉर्म में मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट अक्टूबर को आया हुआ है ये यह क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है फिगर बनाने क्योंकि ये जो क्वेश्चन शनैरियो पे जो क्वेश्चन हैं इस पर बेस्ड आपको तीन से चार क्वेश्चन आएंगे आपका जो पैरा दिया रहेगा वो वही रहेगा बस नीचे के क्वेश्चंस चेंज होते हैं ठीक है तब तो ये क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो चीज हम लोग यहाँ देखेंगे यहाँ तो पर आप, आप देख सकते हो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर टोटल बोला गया है कि सिक्स बॉयज हैं जो कि सर्कल में बैठे हुए हैं और जो फेस है उन लोग का वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल यानी कि सर्कल का जो सेंटर है उसकी तरफ उन छह लोग जो बैठे हैं उनका फेस है और छह की छह लोग कैसे बैठे हैं सर्कल में बैठे हैं ये चीज़ आपका फर्स्ट पॉइंट में कहा गया तो वो चीज़ हम लोग डायग्राम बना लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ डायग्राम में एक सर्कल टाइप का मैंने बना दिया है और ये सर्कल पे छह लोग बैठे हुए हैं मैंने भी नाम मैंने यहाँ सब कुछ मैंसन किया है बट अभी आप क्या करोगे सिर्फ एक सर्कल बनाओगे और बीच में एक डॉट बनाओगे ठीक है उसके बाद से बोला है कि राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द मोहन बट ही इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ द विजय यहाँ पर बोला गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो राजीव को मैंने यहाँ रखा अब राजीव क्या कर रहा है राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द मोहन ठीक है तो पहले हम मोहन को ले लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ मोहन लिखा हुआ है ठीक है अब इस मोहन को मोहन के किसके साइड बोला गया है राइट तो मोहन का ये लेफ़्ट है और ये राइट है आप ये यहाँ एज्यूम करो कि आप यहाँ पर बैठे हो और ये आपका लेफ्ट है राइट है और ये वाला जो है आपका लेफ्ट है तो यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया कि राइट साइड में राजीव है तो यहाँ पर हमने राइट साइड में राजीव को बैठा दिया उसके बाद से बोला गया है कि बट ही इज नॉट टू द लेफ्ट ऑफ द विजय अभी इस पॉइंट को हम आगे देखेंगे अभी हम इतना लिख रहे हैं कि जो राजीव है वो राइट हैंड साइड बैठा हुआ है मोहन के ओके थर्ड पॉइंट देखो सुरेश इज बिट्वीन बाबू एंड विजय जो सुरेश है वो किसके बीच में बैठा हुआ है बाबू और विजय के बीच में बैठा हुआ है अब ये सुरेश कहाँ है हमने यहाँ रख दिया है सुरेश को यहाँ रख दिया है सुरेश किसके बीच में है बाबू और विजय के बीच में तो यहाँ पर देखो आप मैंने क्या कहा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बाबू को रख दिया राइट हैंड साइड पे विजय को रखा अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे बाबू को क्यों रखा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि जो आपका जो राजीव है जो विजय है वो जो है लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है किसके राजीव के तो हम यहाँ पे उसको पुट नहीं कर सकते हैं इस पॉइंट पे नहीं पुट कर सकते इसलिए हमने यहाँ पर विजय को रखा है ठीक है अब उसके बाद जो देखो आप यहाँ पर लिखा है फोर्थ पॉइंट पे जो अजय है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है वीजे के तो यहाँ पर आप देखो विजय कहाँ है आपका ये रहा आपका विजय अब विजय का ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड में साइड में मैंने क्या किया कि अजय को रख दिया ये आपका फिगर है ठीक है आप पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करें एक बार आपका डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो डायग्राम के लिए आपको अच्छी तरह से देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है और उन चीज़ों को फॉलो करना है तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया सेकेंड पॉइंट में क्या है कि सेकेंड ये थर्ड फोर्थ चारों पॉइंट्स मैंने यहाँ कर दिए उसके क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हु इज सीडिंग डायग्रोनी टू राजीव राजीव के डायगोनल में कौन बैठा है तो आप यहाँ पर आप देखो राजीव यहाँ है राजीव के डायगोनल में हम देखें तो राजीव के डायगोनल में कौन है सुरेश है इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सुरेश है वो आपका ट्रू हो जाएगा यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा एक बार इसको आप लोग खुद से करने की कोशिश करना तो आपको समझ आ जाएगा जा ठीक है एक बार कॉपी लेना और जो क्वेश्चन जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप डायग्राम बना के सॉल्व करने की कोशिश करना तो ये क्वेश्चन आपका समझ आ जाएगा कि ये करना कैसा है ठीक है इम्पॉर्टेंट है इस पर आपको वन से टू क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे तो आपको अगर ये एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अगर एग्जाम के टाइम पर क्वेश्चन आएंगे तो आप इजली कर सकोगे ठीक है तो ये आपका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का आगे बोला गया है कि इफ राजीव इज स्टार्टिंग पॉइंट अगर राजीव जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड अ सर्कल इज ड्राइवर्स्ड

अब यहाँ पे स्टार्टिंग किससे है राजीव से तो राजीव से हमने स्टार्ट किया अब इसको क्या करना है हमें क्लॉक घुमाना है तो क्लॉक जो होता है आपका वो इस तरह से होता है क्लॉक ठीक है तो आप यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने है? हैं सिक्स हैं तो जब ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर में क्या होता है कि आप क्या करते हो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल नंबर राइट हैंड साइड के इक्वल नंबर को हटाते हो और बीच का नंबर निकाल लेते हो बट जब आपका इवन नंबर हो तो ईवेंट नंबर में आपको क्या होता है कि मिडल में आपके दो पेयर आते हैं और इसमें भी बोला गया कि आपको मिडल में पेयर बताना है यानी कि दो का पेयर होना चाहिए तो यहाँ से आप देखो क्लॉक वाइज आप घुमाओगे यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स लिखा है अब इसमें मिडल क्या क्या आ रहा है आपके थ्री एंड फोर आ रहे हैं जो कि आपके मिडल में है यानी कि यहाँ पर थ्री और फोर नंबर पे जो पेपर बैठे होंगे वही होंगे इसके आंसर तो यहाँ पे आप देखो वन पे आपका क्या है राजीव है टू पे आपके ये है अजय थ्री पे आपके कौन है विजय और फोर्थ पे कौन है सुरेश तो हमें किनको दो लोगों का लेना है हमें दो लोग का पेयर लेना है तो मिडल में आपको थ्री और फोर नंबर पे जो होंगे उन्हीं को लेना है मिडल में क्या क्या है आपके हैं विजय और सुरेश तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी आपका ट्रू हो जाएगा विजय एंड सुरेश ये दोनों आपके मिडल में आएंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि हु इज सिटिंग राइट ऑफ विजय विजय के राइट में कौन बैठा है ठीक है तो ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पर आप देखो विजय ये रहा विजय का राइट ये है सॉरी लेफ्ट ये है और राइट आपका ये है तो राइट में पूछा तो राइट में क्या है सुरेश तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सुरेश हो जाएगा तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा एक बार अगर आपका डायग्राम बन गया तो इससे रिलेटेड फोर क्वेश्चन होते हैं एक टॉपिक पे एक स्टेटमेंट से आपके चार क्वेश्चन रहेंगे तो अगर आप वो स्टेटमेंट को समझ के डायग्राम बना लिए तो आपके वो जो फोर स्टेटमेंट है वो आपके इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे लेकिन अगर डायग्राम नहीं बना पाओगे तो नहीं सॉल्व होगा ठीक है तो आप डायग्राम पर फोकस करना कि डायग्राम उस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना कि उस स्टेटमेंट समझ आए तभी ताकि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश इज सिटिंग अपोजिट टू बाबू बाबू के अपोजिट में कौन बैठा है फिन द ब्लैंक्स टाइप का पूछा गया तो यहाँ पर आप देखो अपोजिट में इसके अपोजिट में कौन है अजय अजय इसके अपोजिट में बैठा है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अजय ठीक है टोटल फोर क्वेश्चन थे फोर क्वेश्चन के मैंने आंसर बता दिए ये ऑलरेडी आ चुके एक बार आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ठीक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन आप देख रहे क्वेश्चन क्या है तो मार्क ले लेती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया कि विच बिल दैव लेटर एट द राइट फ्रॉम द लेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट वैन द लेटर विल बी वैन द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर जब आपका जो लेटर है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा हो उस समय जो आपके लेवेंथ नंबर पर जो आपका लेटर होगा उस वहाँ से लेके सेवेंथ नंबर पर जो लेटर है वो क्या है ठीक है वो चीज़ आपको बताना है तो आप यहाँ पर देखो मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है ठीक है रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद आपको क्या करना है एलेवंथ नंबर पर देखना है तो यहाँ पर आप देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एलेवंथ नंबर पर आपका क्या है पी है फिर इसके बाद क्या कहा है कि सेवन्थ नंबर ठीक है सेवन्थ नंबर पे आपका एलेवंथ जहाँ पे वहाँ से आपका सेवन्थ नंबर पर जो एलिमेंट है वो ए वो अल्फ़ाबेट क्या है तो यहाँ पे आप सेवन ये इलेवन होकर इसके बाद देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन नंबर पर क्या है आपका आई है तो यहाँ पे जो आई है वो आपका आंसर हो जाएगा ठीक है इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पहले आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है तो मैंने रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेट लिख लिया उसके बाद से एलेवंथ नंबर पर कौन सा एलिमेंट वो पता कर लिया वहाँ से आपका सेवन्थ नंबर पर कौन सा लेटर है वो पता करना था तो वो पता कर लिया तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी वो ट्रू हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए आप लोग क्या करना है? कि ए बी सी डी आप लोग लिख लेना और लिख के करना तो इस तरह से आप करोगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड टी आर ए डी आई एन जी बी अरेंज सच डैट शुड ऑलवेज कम टुगेदर यानी कि जो आपका ट्रेंडिंग वर्ड लिखा हुआ है इसको हम कितने तरीके से अरेंज करें कि जो आपका जो वॉवेल है वो आपका हमेशा एक जगह एक साथ ही रहे ठीक है तो कितने तरीके से तो आप अगर हम देखो यहाँ पर वॉवेल कितना है ए और आई आपके दो वॉवेल हैं यहाँ पर ए और आई तो मैंने क्या किया इन दोनों वॉवेल को एक पास कर लिया अब बाकी जो कॉन्सनेंट है उनको एक पास कर लिया ठीक है अब ये टोटल कॉन्सनेंट कितने हैं फाइव हैं और यहाँ पे आपका जो ये है ए आई कितना है आपके टू है ठीक है तो आपको क्या करना है यहाँ पर फाइव और प्लस ये वन टोटल कितने हो गए आपके सिक्स सिक्स हो गए तो आपको क्या करना है सिक्स का निकालना है फैक्टोरियल तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा सिक्स का फैक्टोरियल इनटू क्या करना है आपको ए आई ए आई कितना एलिमेंट है यहाँ पे दो है दो लेटर है दो लेटर मिलके आपका ये ए आई बना हुआ है जो कि एक टुगेदर यहाँ पर लिया जा रहा है तो ये आपके टोटल दो हैं तो यहाँ पे हम दो का फैक्टोरियल ले लेंगे फिर इन दोनों को फैक्टोरियल लेके सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा जो कि आंसर आपका ऑप्शन ए है सॉल्व कैसे करना है आप देखो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू इसका दो टू इंटू वन तो यहाँ सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा तो इस क्वेश्चन का इस तरह से आप सॉल्व करोगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो बीच में ब्लैंक से यहाँ पे क्या वर्ड आपका आएगा ऑप्शन आपके दिए हुए हैं यहाँ पे आप देखो आई जे के दिया है उसके बाद क्या है एल एम एन बीच में गैप नहीं है तो आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू यानी कि ये सीरीज हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका डी है वो आपका यहाँ पे ट्रू हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को रिप्ले करके देखना समझ आ जाएगा क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया गया है और बोला गया है कि देन विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है तो यहाँ पे आप देखो हमने क्या किया यहाँ पे ये लिया और ये ठीक है ये आपको गिवन दिया है सभी वैल्यू को मैंने एक साइड कर लिया एक साइड करने के बाद आपका ये आएगा कुछ इस टाइप से इक्वेशन इनको सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई प्लस थर्टी सिक्स इज ग्रेटर देन जीरो अब इसको हमारा जो x माइनस वाई है उसको उस साइड भेजेंगे तो आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा यानी कि ये ऑप्शन आपका वहाँ दिया रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन आपका ट्रू हो जाएगा ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको मिसिंग टर्म बताना है कि मिसिंग टर्म क्या है तो यहाँ पर आप देखो ई e, एफ के बाद दो चीज़ का गैप है जी एच उसके बाद है आई जी फिर इसके बाद दो चीज़ का गैप है के एल का गैप है फिर उसके बाद है एम एन फिर दो चीज़ का गैप है पी क्यू गैप है फिर उसके बाद क्या आएगा क्यू आर तो यहाँ पर फिक्स हो गया आपका आएगा क्यू और आर अब इसके आगे जो नंबर दिया है वह वो, वो देख लेते हैं तो नंबर के लिए देखो यहाँ पर आपका इन दोनों डिजिट के जो नंबर होंगे उनको ऐड करने पे आपका लेवन आ जा रहा है ठीक है तो उसी तरह से आपका यहाँ ये आपका आता है फाइव नंबर पे ये आता है सिक्स नंबर पे तो इन दोनों को दो ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा एलेवन ठीक है इसी तरह से इन सब का है तो उसी तरह से आप क्यों और आर का देखो तो क्यों आपका आता है सेवनटीन नंबर पे और आर जो आता है आपका एटीन नंबर पे तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा थर्टी फाइव तो यहाँ पर क्यू आर थर्टी फाइव ये आपका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा अगर आपको ये जो मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही तो वीडियो की क्वालिटी एक बार चेंज करके देखना आपको समझ आ जाएगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है सम गोस्ट आर मैन तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पे एक बार बना रही एक आपका ये गोस्ट है जिसको हम जी से कर रहे हैं यहाँ बोला गया सम गोश्त आर मैन तो ये रहा आपका मैन जिनको हम एम से डिनोट कर रहे हैं उसके बाद क्या कहा गया है ऑल मैन इज़ लीडर तो यहाँ पर जितने भी मैन हैं वो सब क्या है आपके लीडर तो यहाँ पर आपका हो गया लीडर तो ये हम एल से कर रहे हैं उसके बाद क्या है नो लीडर इज़ डॉक्टर कोई भी लीडर आपका डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं ये आपका है डॉक्टर जिसका इससे कोई भी रिश्ता नहीं है ठीक है उसके बाद से है कि सम डॉक्टर इज टीचर कुछ डॉक्टर जो हैं वो आपके एक टीचर हैं ठीक है ठीके? टीचर को टीचर कर रही हैं उसके बाद ऑल टीचर इज हीरो तो यहाँ पर बोला गया है सभी टीचर हीरो हैं तो इसके लिए ये हो गया आपका ठीक है तो ये आपका हो जाएगा हीरो तो अब आप देखो इसी तरह से मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है ए नंबर आप देखो सम गोस्ट इज लीडर तो यहाँ पर आप देखो ये ट्रू कैसे हो गया क्योंकि यहाँ पर जो गोस्ट है कुछ पार्ट उसका एम है और एम का पूरा पार्ट क्या है लीडर है तो यानी कि ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होता है कि सम गोस्ट इज़ लीडर सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि सम गोस्ट इज नॉट अ डॉक्टर तो यहाँ पर आप देखो गोस्ट कहाँ है इधर है अब डॉक्टर यहाँ इन दोनों के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है तो इसलिए ये वाला सेकेंड ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट है नो मैन इज डॉक्टर कोई भी मैन डॉक्टर नहीं है तो यहाँ पर आप देखो जब यहाँ से इनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो डॉक्टर हुआ ही नहीं तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका ट्रू हो गया यानी कि सी ऑप्शन भी आपका ट्रू है उसके बाद डी में देखो तो डी में बोला है कि सम हीरो इज डॉक्टर कुछ हीरो आपके डॉक्टर हैं तो जब आप देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ डॉक्टर आपके टीचर है यहाँ पे ये चीज़ दिया है अब पूरा टीचर ही आपका क्या है हीरो है तो यानी कि ये वाला पार्ट ये वाला पॉइंट भी आपको ट्रू हो गया कि सम हीरो इज़ डॉक्टर ये भी आपका ट्रू है इसके बाद सम गोस्ट इज अ लीडर तो क्या कुछ गोस्ट जो है वो आपकी लीडर हैं लीडर नहीं है तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ गोश्त तो लीडर है ही यहाँ पे तो ये वाला फोर्थ जो आपका ऑप्शन है फिफ्थ वाला ऑप्शन ये आपका हो जाएगा गलत ठीक है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा ए बी सी डी ये आपके ट्रू हो जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको इस तरह के स्टेटमेंट दिए रहेंगे और जहाँ पर नीचे आपको दिए रहेंगे ऑप्शन और आपको उसमें चूज करना पड़ेगा कि कौन कौन से ट्रू है कौन कौन से फॉल्स है ठीक है तो टोटल इतने क्वेश्चनस हैं मेरा फोन कहा गया कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ और उसके बाद से आपको दिखाती हूँ कि आपको मटेरियल कहाँ से मिलेगा जस्ट अ मिनट ओके okay, तो वर्बल में जो आपके क्वेश्चन आएंगे पहला है क्रिटिकल रीजनिंग दूसरा है इंग्लिश करेक्टिव यूजेस थर्ड है आपका इंग्लिश एरर करेक्शन फोर्थ है आपका इंग्लिश एरर आइडेंटिफिकेशन और फिफ्थ होगा आपका रीडिंग कंप्रहेंसिव ठीक है तो यहाँ पे वर्बल में सिर्फ आपके इन्हीं पांच टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं आएगा ठीक है ये खाली पेज है ना मैं अभी यहाँ पे आपका एक लगा दूंगी लिख के जहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या टॉपिक आएंगे बीस मिनट में बीस क्वेश्चन करना रहेगा जहाँ पे पहला रहेगा आपका क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा दूसरा क्या है इंग्लिश करेक्टिव यूजेस तो इंग्लिश करेक्टिव यूजेस में क्या होगा कि आपको इंग्लिश की दिए रहेंगे आपको सेंटेंस दिए रहेंगे आपको उसमें कुछ एक पूरा पैरा होगा उसमें से एक लाइन आपका रहेगा जिसमें आपको पता करना होगा कि इसमें गलती क्या है उसको सही करना होगा ठीक है फिर इंग्लिश एडअ करेक्शन होगा आपका फिर इंग्लिश एडअ आइडेंटिफिकेशन होगा रीडिंग कंपरेंसिंग होगा ठीक है इन्हीं सबसे आपके क्वेश्चन आने वाले हैं इंग्लिश के मैं भी टॉपिक यहाँ लगा दे रही हूँ आप लोग एक बार चेक कर लेना क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सबको बारी बारी से कवर करूँ लेकिन हाँ मैं अभी आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी आप लोग एक बार वो नोट्स जरूर देख लीजिएगा ठीक है अभी आपको पी फॉर्म में मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगी तो ये चीज़ आपका है इसको एक बार ज़रूर देख लेना आप उसके बाद से चलिए और यहाँ पे क्वांटिटेटिव में अगर हम बात करें यानी कि मैथमेटिक्स में तो यहाँ पे आपका परमुटेशन और कम्बिनेशन से क्वेश्चन और आपके डाटा इंटरप्रिटेशन और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस और सी पी ये ऐसे टॉपिक है जिनसे आपके हंड्रेड वन परसेंट क्वेश्चन मैच करेंगे इन टॉपिक से क्वेश्चन आने ही है ठीक है तो इन क्वेश्चन इन टॉपिक को भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा वैसे तो देखा जाए तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक है लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं और परसेंटेज एक और परसेंट और डिस्काउंट इन दोनों से भी क्वेश्चन आते हैं ठीक है थीके? तो दो तीन टॉपिक्स हैं परसेंटेज डिस्काउंट हो गया डेटा पिटेशन हो गया आपका परमोटेशन एंड कम्बिनेसन हो गया आपका और आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया तो इनसे क्वेश्चन आएंगे तो आप और हाँ सी पी आई पी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये दो तीन टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं तो इनको आप लोग देख लीजिएगा ठीक है तो आप चलिए देख लेते हैं बात कर लेते हैं कि आपको इनका प्रिपरेशन जो करना है यानी कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ जहाँ पे मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दे रही हूँ और उस मटेरियल को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी एग्जाम टाइम पे हेल्प हो जाएगी ठीक है तो चलते हैं गूगल पे ओके तो आप यहाँ गूगल पे आ चुके हो मैं इस ड्राइव का जो लिंक है गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लस आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अगर ज्वाइन हो तो मैं ये जो ड्राइव है गूगल ड्राइव लिंक ये मैंने आपको शाम को प्रोवाइड कर दिया था अपने गूगल ड्राइव लिंक पर सॉरी टेलीग्राम चैनल पर और ग्रुप में दोनों पे जगह पर मैंने शाम तक अपलोड कर दिया था तो अगर आप वहाँ पर मेरे से कनेक्ट हो तो आप लोग देख चुके होगे नहीं कनेक्ट थे तो नहीं मिलेगा आपको ठीक है लेट मिलेगा मिलेगा बट लेट मिलेगा तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ये मेरी फाइल नहीं है यहाँ पर कोई सौरभ जैन है जिनकी ये फाइल है यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्नर भी लिखा हुआ है उन्हीं का ये है मुझे मिल गया तो मैं आप लोग संग शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग की हेल्प हो जाए ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फोसिस की ये वाली फ़ाइल आप खोलोगे तो यहाँ पे आपके और भी फाइल्स हैं सारे एप्टीट्यूड के भी मॉडल पेपर भी हैं इंटरव्यू के एक्सपीरियंस जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं पेड मटेरियल जो भी हैं आपके वो भी यहाँ पे हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फर्स्ट वाले फाइल में सेकेंड आप देखो तो सेकेंड वाला जो फाइल है थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है सेकेंड आपको क्या है प्रीमियम मटेरियल है यहाँ पे आपको मटेरियल सारे मिल जाएंगे सारे जो भी सेक्शंस हैं सभी सेक्शंस के आपको यहाँ पर मटेरियल मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद से मैं आपको थर्ड वाला खोल के दिखाती हूँ तो ये थर्ड वाला फाइल है आपका यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपकी फ़ाइल हैं इस सारी मटेरियल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है सब कुछ पी में है कुछ वर्ड में है मेरे पास टाइम नहीं था नहीं तो मैं इन सबको कर देती यहाँ पर आप देखो वर्बल का भी है वर्बल में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वर्बल वाला पार्ट नहीं होता है तो आप लोग यहाँ से वर्बल वाला ये पार्ट देख लेना यहाँ पर आप देख सकते हो वर्बल के भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं तो अभी ये थोड़ा तो लोड हो रहा है लोड होने पर आप देख सकते हो यहाँ पे ये यह टॉपिक्स आपके दिए गए हैं और उसके बाद से नीचे आपका दिया गया है क्वेश्चन और विथा आंसर कि जो एल से किया गया है साइन यही आपका आंसर है ठीक है तो इस तरह से आपको यहाँ पर वर्बल का दिख जाएगा ठीक है इसके बाद ये आपका वर्बल हो गया उसके बाद से मैंने एक जगह देखा था कि बहुत सारे फॉर्मूले थे वेट देखते हैं कहाँ है ये आपका पेपर है मॉडल पेपर ये सारे आपके पेपर्स हैं एक्सपीरियंस जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं एक बार ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा ठीक है जिनका तीन बजे तो उनके पास तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है बट जिनका सुबह में है उनके पास टाइम नहीं है लेकिन तो भी आप लोग कोशिश करना कि कवर कर लो जो भी है यही फाइल है मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी आप लोग देख लेना मैंने एक जगह देखा था जहाँ पर एप्टीट्यूड्स के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले थे विथ एग्ज़ाम्पल थे वहाँ नीचे एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे ठीक है तो मैं अभी देख रही हूँ मुझे वो दिख तो नहीं रहा है अगर दिखेगा मुझे नहीं दिख रहा है बहुत ज़्यादा फाइल है ये ठीक है तो मुझे मिल नहीं रहा है मुझे बहुत ज़्यादा खोजना पड़ेगा बट हाँ आपको ये मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोग एक बार चेक कर लेना आपको मिल जाएगा ठीक है और जिनका भी है वो तो बहुत अच्छा ये काम किए क्योंकि उन्हीं की ये मेहनत है जो कि मैं आप लोग संग शेयर कर रही हूँ तो जो भी है अगर आप लोग का निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है सबसे ज़्यादा इन्हें थैंक यू कीजिएगा क्योंकि इन्हीं का ये सारा मटेरियल है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है मैं सारी चीज़ें आप लोग को अभी प्रोवाइड कर दूँगी तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और कोई डाउट नहीं होगी अगर कोई और डाउट रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर देना मैं रिप्लाई कर दूँगी तो फिलहाल चलिए मिलती हूँ आपसे कल लेकिन पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक अच्छे से पेपर दीजिएगा बाय